आपकी आवाज। आज एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज की विशेष और बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड एकता संगठन द्वारा उत्तरेणी महोत्सव का किया गया आयोजन। दिगाऊ विधायक रहे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक ने दी महोत्सव की शुभकामनाएं। उत्तराखंड एकता संगठन फरीदाबाद के द्वारा कई जगह पर उत्तरेणी महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिगाऊ के विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। विधायक राजेश नागर का महोत्सव में पहुंचने पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने उत्तराखंड के निवासियों को उत्तरेणी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना हम सबका धर्म है। इस तरह के कार्यक्रमों से हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है और संस्कृति के बढ़ने से हमारी एकता और संगठन को ताकत मिलती है। इसीलिए सभी अपने त्योहारों को एक साथ संगठित होकर मनाएं ताकि देश और भी मजबूत हो सके। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नजारा तिगांव क्षेत्र के सेहतपुर गाँव व सूर्य विहार पार्ट टू का है, जहाँ पर आज उत्तराखंड एकता संगठन के द्वारा के उत्तरेणी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तिगांव के विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उत्तराखंड वासियों ने फूल मालाओं से विधायक का स्वागत सम्मान किया और उत्तराखंड के कलाकारों ने अपनी संस्कृति को दर्शाने वाले कलाकृतियों के माध्यम से झांकियां निकाली। देखिए फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। मेरे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि ये सड़क का जो एक मसला चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, पर ये जल्दी इसका टेंडर होने वाला है। मेरी अभी परसों ही हमारे जो चीफ है उनसे बात हुई थी और इसका टेंडर मेरे ख्याल 2-3 दिन में बोलते के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। और बाबू जी तो आपके बीच में लगी रहती है, अभी बच्चों ने जो परफॉर्म किया और उसको देख के लगता है कि कितनी मेहनत आप लोगों ने उनके साथ की, क्योंकि एक कला को निकालने के लिए उसको एक टीचर और एक जो ट्रेनर होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसी की वजह से वो एक कला बाहर निकल कर आती है। और आज आपका उत्तरेणी का त्यौहार है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जैसा पहले बाबूजी जी के साथ लगे रहे, इस तरह से ही इनकी साथ लगे रहो, क्योंकि ये एक संस्था चला रहे हैं। संस्था चलाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे गरीब परिवार से आते हैं जो उनकी फीस भी नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद भी ये अपने इस संस्था को चलाती आ रही है। और मैं ये बधाई देता हूँ उनको और शुभकामनाएं देता हूँ।